शित करने के लिए न्यास खान को आपने सुना। और बढ़ते हैं आगे, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए एक अदद सड़क को बनाने के लिए। टारगेट था कि गांव को शहर से किसी तरह से जोड़ा जाए ताकि विकास दौड़ता हुआ आए, लेकिन जब सड़क बनी तो विकास दौड़ा नहीं, हाफ कर धड़ाम से गिर गया। न बुलडोजर, न जेसीबी, न हाईवा, न रोड रोलर, न पोकलैंड, न चैन माउंटेन के वार से करोड़ों की सड़क उखड़ जाती है उंगली के प्रहार से। न नेता का बयान, न माननीय की जुबान, न राजनीति की दुकान, न तीर बाण के वार से करोड़ों की पुलिया उखड़ जाती है पैर के प्रहार से। न तूफान, न आंधी, न जलजला, न बाढ़ की धार से करोड़ों की सड़क उखड़ जाती है पंजे के प्रहार से। लेकिन साहेबान मेहरबान कदरदान, अगर दिल कमजोर है तो उसे ले थाम, गहरी सांस लें, क्योंकि कहानी शुरू होती है अब। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। करोड़ों बहाने के बाद इस नायाब कलाकारी के शाहकारों से मिलने के लिए आपको चलना होगा छत्तीसगढ़ के मनेन्द्र, जहां बेलकामार में सालों के इंतजार के बाद आई काली चमचमाती सड़क। गांव वाले शायद रात भर सो न पाए हों कि अब सड़क आई है तो विकास और समृद्धि पीछे पीछे ही आते होंगे। लेकिन ये क्या, विकास तो दूर की बात है, हाथ का, पैर का, पंजे का बोझ नहीं झेल पाई है सड़क। गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने करप्शन का नया इतिहास लिखा है या उनके सालों पुराने सपने को सड़क सड़क कर दिया है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना था। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के ग्राम पंचायत बेलकमार में 6 करोड़ से ज्यादा खर्चने के बाद ये सड़क तैयार हुई। लेकिन रुकिए, इतने पर रुक जाए तो पीडब्ल्यूडी विभाग कैसा काम न करने के लिए बदनाम सरकारी महकमे जब भी करते हैं, छप्पर फाड़, सड़क फाड़ और पुलिया फाड़ काम करते हैं। देखिए, जो पैर से न गिर पाए तो सरकारी पुलिया कैसी, लिहाजा जूते के प्रहार से पानी पानी हो जा रही है पुलिया। थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखेंगे तो समझ नहीं आएगा कि नई पुलिया है या गिरने पर आमादा। काहिलियत और मक्कारी की कोई नई मिसाल है। ये शुक्र है कि मानसून नहीं है, वरना शर्म से पानी में डूब कर मर जाती ये पुलिया। वैसे तस्वीरें अकेली नहीं है जो पीडब्ल्यूडी की करतूत बयां कर रही है, बल्कि लोगों के गुस्से का भी ठिकाना नहीं, क्योंकि सरकारों के लिए चुनावी साल का शिगुफा हो सकती है ये सड़क। लेकिन जो सालों से इस सड़क के सौभाग्य की राह देख रहे हैं उनका क्या, अधिकारी, नेता, गांव वाले सब कह रहे हैं कि शिकायत करते रह गए, फिर कैसे करोड़ों रुपए पानी में बह गए। मनेन्द्रगढ़ से सुजीत शाह, News 18। बहुत कम पुलिया होती हैं, बहुत कम सड़कें होती हैं जो पानी, मौसम, भूकंप जैसी आपदा से नहीं बल्कि शर्म से मर जाती हैं। ऐसी ही पुलिया और सड़क की कहानी है ये गांव वाले नाराज, नेता नाराज, पंच सरपंच नाराज, फिर भी बन गई सड़क। अद्भुत कुदरती पहचान, कला संस्कृति की विविधता, प्रगति के नए सोपान गढ़ते सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने निकला। लेकिन अफसोस, उसके अरमान पर भारी पड़ गई सरकारी महकमों की पुरातन आदतें। ऐसी सड़क और पुलिया बनी कि बिना पानी के शर्म से डूब कर मर जाएं। 6 करोड़ की रकम खर्च करने के बाद बनी सड़क और पुलिया ने करोड़ों की उम्मीद को उखाड़ दिया, गिट्टी गिट्टी कर दिया, धूल धूल कर दिया, डामर डामर कर दिया। ऐसा लगता है सड़क और पुलिया चीख चीख कर आने वालों को बुलाती हैं, अपनी पीड़ा बताती हैं, और जो सालों से सपना देख रहे थे सड़क की अर्थी लिए बैठे, उदय भान को सुनिए। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, आप खुद देख सकते हैं। देखिए सर, थोड़ा सा उंगली से भी आदमी ऐसे करते थे उखड़ जा रहे हैं। भाई इसमें 4 दिन गाड़ी चलेगा तो इसका स्थिति क्या होगा, अभी तो ऐसे भी बरसात आने वाली है, तो इसमें तो कोई डामर के नामे नहीं है सर, कहाँ से पकड़ रखेगी। ये देखिए पूरे गिट्टी है सर, ये इसको थोड़ा सुंगली से भी करोगे ये तो निकल जा रहा है, ऐसा कोई डामर बनता है क्या? हाँ, इससे तो हम सारे गांव वाले बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इस रास्ते पर हमें सदा दिन चलना है,
तो क्या हम इसी से चलते रहेंगे? तो दो दिन में ख़त्म हो जाएगा सर, जबकि हाथ पैर से खाली नॉर्मल उंगली से टूट जा रहा है, तो जब बड़ा गाड़ी चलेगी इसमें तो क्या स्थिति होगा सर, आप खुद देख सकते हैं, इसमें हमें कहने की क्या जरूरत है। गांव वाले ही नहीं, सरपंच भी कह रही हैं सड़क ठीक नहीं, फिर पंचायती राज की अवधारणा, पेशा कानून की वकालत और ग्राम सभा को पूर्ण अधिकार की दुहाई क्यों दी जाती है भला? आपके यहाँ 6.5 करोड़ की लागत से पुलिया और डामरीकरण सड़क बन रहा है, इस सड़क से आप और इस पुलिया से संतुष्ट हैं? नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? तो खराब बन रहा है पूरा। हाँ, आपने वहाँ पर जाके देखा क्या ग्रामीणों के साथ? जी देखी हूँ। तो क्या दिक्कत आ रही है उसमें? पूरा दिक्कत है वहाँ, पूरा खराब बन रहा है, मिट्टी भी नहीं ठीक से गिर रहा है, उसमें डामर गिरा रहे हैं। बनने के साथ ही और बनने के बाद भी सड़क और पुलिया की गुणवत्ता सवालों के घेरे में रही, लेकिन अफसरों ने कहा ऐसी ही बनेगी, काश ऐसी ही सड़कें उनके घरों तक भी जाती तो ऐसे जवाब की नौबत नहीं आती। बेलका मार से जो भूसकी डांड तक जो रोड जा रहा है वो बहुत ही गुणवत्ता विहीन है, और मैं इसका हमेशा बीच बीच में आते रहती हूँ, और इसकी शिकायत भी कलेक्टर सर से भी की हूँ, और SDO को मैं अपने सामान्य सभा के बैठक में भी बोली, तो SDO सर का जवाब था कि हमारे पास उतना वित्त नहीं है और ऐसा बनाने का हमको आदेश मिला है, ऐसे उनके द्वारा बोला गया। और यहाँ का जो पुल है उसके बारे में जब शिकायत की तो बोले कि उसको वैसे ही बनाना है, रोड से नीचे ही बनाना है, ऐसा आदेश है, ऐसा करके बोला गया। और ये रोड देखो कितना भ्रष्टाचार है कि ये ऐसे हाथ से भी करो तो पूरा रोड का मिट्टी गिट्टी सब बाहर निकल रहा है, और मिट्टी के ऊपर ही ये बिछा दिया गया है गिट्टी और ये जो हल्का सा डामर भी मिलाकर, और पूरी तरह भ्रष्टाचार इसमें बढ़ा हुआ है, अपना अपना कमीशन निकाल कर ये काम किया जा रहा है यहाँ पर। ये शुक्र है कि लगातार इस शिकायत को उठाने के बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सख्ती दिखाई और जाँच के आदेश दिए। इससे पहले भी मंत्री साहू ने दुर्ग में इस तरह की सख्ती दिखाई थी और खराब सड़क को पूरा उखड़वाया गया, लेकिन जब हर बार मंत्री जी को ही देखना पड़े तो ये लंबे चौड़े महकमे क्या सिर्फ सैलरी उठाने के लिए हैं? पूरा ध्यान देता है। अभी एक सड़क की बात आई थी, मैंने अपने अधिकारी से पूछा, पहले से निर्देश है कि अगर इस प्रकार की शिकायत है तो पूरा सड़क बंद करा दो और नए सिरे से उसको उखाड़ के चलाओ। पूरा का पूरा सड़क एकदम उखड़ता जा रहा है, पर पूरा सख्त आदेश है, काम बंद करा दिया गया है। मेरे अधिकारी मुझे अभी बैठक में जानकारी दी, अब उसको जांच करके कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर साहब ने कर दिया। सिर्फ जांच ही क्यों, जांच के बाद जनता की गाड़ी कमाई को धूल धक्कड़ गिट्टी पत्थर में बर्बाद करने वालों से वसूली भी होनी चाहिए। उम्मीद है कि जांच के बाद एक अदद सड़क गाँव वालों को मिलेगी, और काटा घोला मिलाया लगाया की तर्ज पर फिर कोई सड़क और पुलिया नहीं बनेगी जो करप्शन की एक नई इबारत लिख सके। मनेंद्रगढ़ से सुजीत शाह की रिपोर्ट, News 18। और यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।